खबर। उत्तर प्रदेश कानपुर से लट्ठे वाली कोठी गोरा कब्रिस्तान के पास पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई। उसके 14 कदम पीछे एक नाली से भी 5 कदम पीछे गरीब दुकानदारों की दुकान बंद करा दी गई है, जो कि अवर्णनीय है। 10 मार्च से दुकान बंद होने के कारण भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। बैरिकेडिंग होने के बाद दुकान पुलिस द्वारा जबरन बंद करा दी गई है। एवर राजवीर सिंह परिहार नाम के ट्रैफिक इंस्पेक्टर दुकानदारों को मारते, सामान फेंक देते, ठेला तोड़ देते, वीडियो बनाने पर मोबाइल तोड़ देते। आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मौके पर जाकर समस्या को देखा एवं मौके पर बैठे हैं। अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। मौके पर विधायक ने धरना दिया एवं अधिकारियों से वार्ता की तथा समस्या को तत्काल निराकरण करने को कहा। अधिकारियों ने तत्काल दुकानें को खुलवाया। हम लोग बैठे हैं, इसके पीछे आप देख रहे हो कुछ दुकानें हैं, 4-6-8 दुकानें हैं, चाय पानी की है। गरीब आदमी इसको करते 20 साल से करते हैं। ये एक मोड़ है। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे शहर में अधिकारी वैसे भी इस समय एक से एक बेअंदाज और अपने अपने धुन के माहिर अधिकारी आते हैं, जैसे कमिश्नरेट हो गई है, तो एक अधिकारी मन में आया यहाँ से हम वनवे कर देंगे। उन्होंने वनवे कर दिया। वनवे करने में बैरिकेड लगाई, और बैरिकेड से मैंने नापा 20 कदम पीछे दुकानें हैं और नाली से 5 कदम पीछे दुकानें हैं और इनको बंद करा रखा है। मैंने 2 DCP को स्वयं फ़ोन किया कि इसको दिखवा लीजिए। अब उनके पास समय नहीं, शायद कि उनका फ़ोन तो PR उठाता हमेशा, उनके पास समय नहीं है तो वो देख नहीं पा रही। मैंने परसों फ़ोन किया था कि परसों तो देख लीजिए, नहीं तो मैं मौके पर जाऊँगा, पर आज तभी कोई घटना नहीं हुई। इसलिए मौके पर आया हूँ। मैं आज अधिकारियों से जानना चाहता हूँ, इन दुकानों के बंद होने से हमारी सरकार का, हमारे समाज का, हमारे शहर का क्या क्या फ़ायदा है, जरा वो हमको समझाने की कोशिश करें, नहीं तो हम फिर इन दुकानों को खुलवाने का इंतजाम करेंगे। वो TI जो राजवीर सिंह है, इससे ज़्यादा बेअंदाज और बदतमीज अधिकारी संभव ही नहीं है। ये पूरे शहर घूम को बेअंदाजी के पत्रकारों से बात नहीं करता कि ठेले वालों को मारता है। और मैं इसकी 10 DCP से कह चुका हूँ, इसको इस क्षेत्र से हटा दीजिए। हमारे कभी घंटा घर बदतमीजी करेगा, बड़ा चुरावे करेगा, कभी स्टॉक चेंज भी करेगा, कहीं ना कहीं बदतमीजी करता ही दिखाई पड़ता है। तो वो TI लुटेरा भी है, बदतमीज भी है, लेकिन ना जाने क्यों अधिकारी उसको सह देते हैं, मुझे पता नहीं। मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मैं कह दूंगा उसकी तारीफ हो जाएगी, उसको और बढ़िया पोस्टिंग दे दें, लेकिन गरीब आदमी को अत्याचार हुआ तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे जितने मुकदमे लगा दें, चाहे जेल भेज दें, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बैठे हैं, खुलवा के जाएंगे, या तो खुल जाएंगे या हम समझ जाएंगे दुकानें खुलने में बड़ा नुकसान देश का है, तो मैं एक काम तो करके जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।